गोंडा जिले में 18,000 आवास की जरूरत है। दिसंबर माह में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य गोंडा में मात्र 1,539 आया, जिससे जिले की आधी ग्राम पंचायतें लक्ष्य से दूर रहीं। इससे गांव में आवास लाभार्थी परेशान हो गए। सीडीओ गौरव कुमार ने बताया कि पीएम आवास के अभ्यर्थी परेशान ना हो, इसके बाद आने वाले लक्ष्य में वंचित लोगों को आवास योजना में शामिल किया जाएगा, किसी के बहकावे में ना आए। गोंडा जिले में 16 ब्लॉक हैं, 1,214 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन यहां पर मात्र 1,539 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य मिला है। इनमें बभनजोत में 178, बेलसर में 286, छपिया में 56, कर्नलगंज में 77, हलधरमऊ में 27, इटिया थोक में 43, झंझरी में 78, कटरा बाजार में 13, मनकापुर में 159, मुजैना में 26, नवाबगंज में 94, पडरी कृपाल में 50, परसपुर में 105, रुपईडीह में 162, तरबगंज में 134, वजीरगंज में मात्र 51 आवास का लक्ष्य मिला, तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। दैनिक भास्कर गोंडा से ब्यूरो चीफ हरिनारायण शुक्ल की ये रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री आवास का जो है 1,539 का लक्ष्य जनपद गोंडा को प्राप्त हुआ है, और इसमें इन सभी के जो है सत्यापन कार्य जो है चल रहा है वर्तमान में, कि कोई ऐसा तो नहीं जिसने अपना आवास अब तक बना लिया गया है। इसमें एक जो है वो क्लैरिफिकेशन करना है कि जो ये लक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसके बाद भी जो अवशेष रह जाएंगे जिनका नाम आवास सॉफ्ट पर फीड है पहले से ही, उन सब के आवास जैसे जैसे शासन से जनपद को लक्ष्य प्राप्त होगा वैसे वैसे आवंटित धनराशि की जाएगी। इस क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति में ना आए कि भाई हमारा नाम जो है किसी के द्वारा काट दिया गया है, चाहे ब्लॉक के माध्यम से या किसी और स्तर से भी। इसमें स्पष्ट है, यदि किसी को जानना है कि उनका नाम किस क्रमांक पर है और सूची में है कि नहीं, वो यहाँ पीएम पीडीडीआरडीए कार्यालय में आकर यहाँ अपना जो है नाम देख सकते हैं किस क्रमांक पर है, और यदि उस क्रमांक तक सैंक्शन इस बार हो गया है तो उनको आवास मिल जाएगा यदि वो पात्र हैं, और यदि वो क्रमांक तक नहीं आया है तो जब भी नेक्स्ट लक्ष्य प्राप्त होता है तो उनको मिल जाएगा। तो इसमें चिंता करने की कोई ऐसा नहीं है या कोई भ्रांतियाँ इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर।